In this video, we'll talk about MH Law 83 years 2023 expected paper of English section. सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सेक्शन का है. 50 क्वेश्चन विल बी कमिंग अप फॉर 50 मार्क्स. 60-70% जनता का स्कोर इस सेक्शन में नहीं आता है. उसका प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या तो फिर हम वोकैब पे काम नहीं करते. भर भर के वोकैब आएंगे आपके एग्जाम में. ग्रामर वाले क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन पे हमारा कमांड नहीं है. क्वेश्चन राइट नहीं होते हैं. रीडिंग में टाइम जाता है. सीडी का पेपर लेंदी होता है, ये क्लियर है. तो उस हिसाब से अपने को प्रिपरेशन करनी होगी. दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, दोज आर फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, तो उनको ये लगता है कि भाई मेरा इंग्लिश में स्कोर नहीं बनेगा, मैं जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लूँ. जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो CBSE बोर्ड से है, इंग्लिश मीडियम से है, तो उनका स्कोर बनेगा. सो दिस इज़ द बिग मिथ गाइस. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत कम्युनिकेशन वाइज अच्छी है तो आप इंग्लिश में अच्छा फोड़ोगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. कम्युनिकेशन वाइज एंड व्हेन इट्स कम टू दी सॉल्विंग द पेपर, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. ठीक है, हाँ, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो पेपर को सॉल्व करने में वो एक एड ऑन रहेगा. बट आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, अच्छा स्कोर लेके आएगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी. आपको इंग्लिश सेक्शन को अगर क्रैक करना है तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आपका वोकैब थरली होना चाहिए. वर्ड पावर मेडिज में हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, वो तो आपको करना ही चाहिए. तीसरा, ग्रामर. ग्रामर के अंदर आपके पार्ट ऑफ द स्पीच, फिगर ऑफ द स्पीच, एंड लास्ट ईयर तो उन्होंने एक्टिव पैसिव भी पूछ लिया था, चेंज द वॉइस भी पूछ लिया था. तो वो सब चीज़ें पढ़ के रखो. ठीक है, तो ये वीडियो में हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड, 2018 से लेकर के टिल 2022 क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, और किस किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. सो उसके हिसाब से हमें 2023 के लिए इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर करना है. ओके, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, दोज हु आर टारगेटिंग फॉर MH Law 83 ईयर्स 23 और 24 एंड वॉन्ट टू एंड अप विद दी GLC मुंबई और ILS पुणे लॉ कॉलेजेस. सो वेरी फर्स्ट, CET का जो पेपर है वो अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, अनसर्टेन पेपर है. तो प्लानिंग लगेगी, और बहुत अच्छी प्लानिंग, कॉन्क्रीट प्लानिंग लगेगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन. सो हियर इज द वन कोट, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. सो आप विश करते रहोगे कि यार मैं टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, CET में मेरा XYZ स्कोर आ जाए, बट अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और उसको लेके प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है प्लानिंग को लेके, तो फिर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी. विच एवर क्लासेस यू हैव ज्वाइन, टेक द हेल्प ऑफ मेंटर फैकल्टीज एंड उनके गाइडेंस से आपका प्लानिंग रेडी करो. एंड आपका खुद का प्लानिंग होना चाहिए आपके टाइम के हिसाब से. एटलीस्ट 3-4 घंटा अगर आप दे रहे हो दिन के, तो उसको ब्रेक बनाओ. इफ़ यू आर गिविंग 3-4 आवर्स ऑन डेली बेसिस, तो उसको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाना है, ये सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए अच्छे से. और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द ईयर 2028 टू अप टिल 2022. ठीक है, लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया हुआ है. लास्ट 2 ईयर में जो कोविड गया आपका 2021-22 में, उसके अंदर का पेपर थोड़ा सा चेंजेस है. और 20 प्री कोविड अगर आप बात करोगे 2018-2019 वाले, तो उधर पेपर थोड़ा सा अलग था. ठीक है, तो अपन लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड लेके चलते हैं, लास्ट 2-3 ईयर का, 20 से लेके 22 तक का. ठीक है, जो मैंने रेड किया हुआ ये क्वेश्चन, वैसे जो बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, इस पे काम नहीं करते, और यहाँ से वेटेज देख रहे हो, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे एग्जाम में. उसके बाद ये वाला, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जो 2020-21 में आया था, 2-6 क्वेश्चन. ओके, फिर एनालॉजी वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस. तो ये ऐसे टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं या तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और यहाँ से रफली ऐड करूँगा तो 10 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं. तो ये अपना ऐसे ही चले जाता है, तो इस पर काम करना है अपने को. ठीक है, जो हर साल क्वेश्चन जहाँ से आते हैं और आएंगे, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ से आपके रफली 8-9 क्वेश्चंस. ठीक है, RC आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से 20 क्वेश्चंस. ठीक है, फिर एंटोनियम्स ले लो, सिनोनियम्स ले लो, तो यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन. तो दिस इज 13 एंड ये आपका 20, मतलब 30-35 क्वेश्चन ये तो फॉर श्योर हर साल एग्जाम में आने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. फिर आपका पैराग्राफ जंबल हो गया, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ये फॉर श्योर आएगा एग्ज़ाम में. ठीक है, बाकी आपका जैसे मैंने जो ब्लू कलर में किया है, प्रोबेबल स्टार्टर, क्लोज टेस्ट, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये कभी 1-2 बार आए हुए हैं, फिर उसके बाद नहीं आया हुआ है. देखो यहाँ पे 1 ही बार आया हुआ है, फिर नहीं आया हुआ है, तो इसको छोड़ सकते हो. ये भी आपका लास्ट 3 ईयर्स से तो नहीं आ रहा है, और मैच द फॉलोइंग भी नहीं आ रहा है लास्ट 2 ईयर्स से. तो ये कभी आया कभी नहीं आया ऐसा है. तो बट ईजी होता है वो कैब आपका, अगर आपका प्रिपेयर है तो आराम से कर लोगे क्वेश्चन. ओके, फिर अभी लास्ट 2 ईयर से आपका
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, जो आपके मैनुअल की बुक है इंग्लिश का, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेना, वोकैब सेक्शन टू। ओके, बाकी तो वोकैब वाले क्वेश्चन हो गए और ग्रामर वाले क्वेश्चन, एंड देन इंट्रोडक्शन आपका हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रफली। तो ये मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल एंड डबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वाले क्वेश्चन सारे, एंड रिट्रैक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, फिर RC एंड पैराग्राफ जंबल। ये टॉपिक्स जो है ये तो आपको फॉर श्योर करने ही करने, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। जो टॉपिक ऐसे होते हैं जो ईजी लगते हैं, गुगली टाइप होते हैं, जहाँ पे मार्क्स नहीं बनते, वो मैंने बता दिया, आपके 10 के आसपास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस पे आधे से ज़्यादा जनता ध्यान नहीं देती है, और 60-70% लोगों का स्कोर नहीं बनता है इस सेक्शन में। मतलब वो लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, GK पढ़ेंगे, बट इंग्लिश को नहीं करेंगे। तो भाई आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा, ट्रिक्स डेवलप करना पड़ेगा आपको इंग्लिश को लेकर के। सो 23 में जो मैंने बताया 35 क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये तो फॉर श्योर आने ही वाले हैं। बाकी के एरिया पे अगर काम करते हो तो 50 में से अगर आपका 40 प्लस आ रहा है तो वेरी डिसेंट स्कोर है। लोग 45 के ऊपर भी मारते हैं जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, बट अगर 40 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 50 इफ़ यू आर हिटिंग, विच इज़ वेरी गुड स्कोर। बाकी के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो, डेफिनेटली यू विल ईदर टॉप इन द CET और GLC IELTS, तो पक्का है अपना। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक दिया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट एंड इसके हिसाब से आपका प्लानर ले लो। लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड दे दिया मैंने, मतलब इतना डिटेल आपके पास आ गया है तो आपको भी क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी है। ओके, और पूरी प्रिपरेशन में मोटिवेशन लगेगा, सो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है टॉपर्स के पॉडकास्ट देखो, MH Law City 3 Years टॉपर्स पॉडकास्ट बाय मिनर एजुकेशन, यूट्यूब पे टाइप करो, आ जाएंगे सारे पॉडकास्ट, वॉच ऑल द टॉपर पॉडकास्ट। उनको आप इससे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, उनको क्या प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, उनका कौन सा सेक्शन वीक था तो उसके लिए क्या किया, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग था तो उसके लिए क्या किया, क्या क्या हर्डल्स आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो डू वॉच ऑल दी पॉडकास्ट, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी प्रिपरेशन को लेके इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड तो क्लासरूम बैचेस यू कैन ज्वाइन दादर बोरीवली एंड वसई, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। बट अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो, आउट ऑफ मुंबई हो, तो ऑनलाइन लाइव क्लास यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आर ऑनलाइन टीम ऑन दिस नंबर, और ये आपके कंप्लीट टीचिंग करिकुलम होंगे फॉर दी प्रिपरेशन। ओके, सो कीप योर टारगेट वेरी क्लियर कि मुझे टॉप लॉ कॉलेज में ही एडमिशन लेना, बिकॉज आई विल बी परस्यूइंग लॉ वंस इन अ लाइफ। तो कॉलेज तो अच्छा होना चाहिए आपके प्रिपरेशन को लेके, आपके करियर को लेके। ठीक है, सो जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। एंड इन केस ऑफ यू वॉन्ट टू डू सेल्फ स्टडी, बुक्स ऑर्डर करनी है, मॉक टेस्ट, तो menuvalue.com/lawentrance पे आप विजिट कर सकते हो। सो ऑल दिस डिटेल्स आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक द डिस्क्रिप्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो मेरा लॉजिक को लेकर आएगा, उसके बाद GK सेक्शन, मतलब GK का हो गया आपका, लीगल का सेक्शन हो गया, एंड कंप्लीट हॉलिस्टिक वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर एंटायर 2023 एक्सपेक्टेड पेपर। Till then, stay tuned, prepare well. All the very best. Thank you.